इंपोस्टर यानी कातिल का अपना अलग रोल होता है, उसको कुछ अपने अलग काम करने होते हैं और क्रू मेंबर को अपने अलग काम करने। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर आप एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे लोकल और ऑनलाइन। लोकल के अंदर आप अपना एक लोकल होस्ट कर सकते हैं मैच, जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं। इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अभी मैं वापस चलता हूँ। तो ऑनलाइन के अंदर आप किसी को भी बुला सकते हैं, आप होस्ट कर सकते हैं, होस्ट बन सकते हैं। इसके अंदर आप होस्ट होंगे, आप जिसको चाहे मैच में रखें और जिसको चाहे मैच में बाहर निकाल दें। इसके अंदर मैप दिए हुए हैं, आप कोई सा टीम मैप में से कोई भी मैप चूज कर सकते हैं। इंपोस्टर आप कितने रखना चाहते हैं मैच के अंदर, क्योंकि आप होस्ट हैं, आप एक दो तीन रख सकते हैं। अगर एक इंपोस्टर है आपके मैच में तो कम से कम चार और ज़्यादा से ज़्यादा दस आपका क्रू मेम्बर होगा। तो उसके बाद में अगर दो इंपोस्टर आप रखते हैं तो यहाँ पर कम से कम सात और ज़्यादा से ज़्यादा दस, और तीन इंपोस्टर हैं तो कम से कम नौ और ज़्यादा से ज़्यादा दस आपके क्रू मेंबर होंगे। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए, मैच स्टार्ट हो जाएगा और लोग धीरे धीरे आपके जुड़ते रहेंगे। ये होस्टिंग मैच तभी आप बताएं जब आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो। जैसे कि ये कोड है, आप अपने फ्रेंड को यहाँ पर सेंड कीजिए और इसमें आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो फ्रेंड नहीं है तो आप जाके पब्लिक में कोई भी मैच ज्वाइन कर सकते हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से कोई भी मैच पे आप क्लिक करेंगे, आप इंटर हो जाएंगे और यहाँ पर धीरे धीरे 10 के 10 लोग यहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे। तो ये एक आप देख सकते हैं स्पेस शटर, या फिर बोल सकते हैं कि एक रॉकेट है जिसके अंदर सब लोग होंगे, जिसके अंदर टास्क कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आप जो क्रू मेंबर हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, लेकिन इसके अंदर जो भी हो रहा है आप किसी को नहीं बता सकते हैं डिस्कॉर्ड के थ्रू, कॉल के थ्रू, क्योंकि फिर इस गेम को खेलने का मज़ा नहीं आएगा। अब इसके अंदर दोस्तों होता यह है कि 10 या 10 से कम लोग अगर क्रू मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं उसके अंदर आपको एक कातिल यानी इंपोस्टर होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा तीन जो है इंपोस्टर होंगे। तो यहाँ पे बाकी जो क्रू मेंबर हैं उनका काम यह है कि उनको मैप को देखना है, उसके बाद में जो भी टास्क है उन्हें कंप्लीट करना है और साथ ही ये गेस करना है कि कौन कातिल है। अगर उनको शक होता है कि ये कातिल है, ये इंपोस्टर है, तो उसको रिपोर्ट करना है और उसके खिलाफ वोटिंग करना है और उसको बाहर निकालना है और फिर मैच जीत लेना है। कातिल का यानी इंपोस्टर का काम ये होता है, जो किलर है उसका इंपोस्टर का काम ये होता है कि वो जो है जितने भी क्रू मेंबर हैं उनको सीक्रेट तरीके से उसको मारना है। तो जैसे मैंने ये वाला मैच स्टार्ट किया तो मुझको यहाँ पर कंप्यूटर में इंपोस्टर यानी कातिल बनाया। अब दोस्तों मेरा काम ये है कि मुझको सबको जो है ये बताना है कि मैं कातिल नहीं हूँ और ऐसी हरकतें नहीं करना है कि लोग समझ सकें मैं इंपोस्टर हूँ। तो बाकी लोग नहीं जानते कि कौन इंपोस्टर है और सभी की नज़र ये होती है कि उनको जो बाकी क्रू है उनको टास्क भी कंप्लीट करना है। और अगर मैं किसी को किल करता हूँ तो अगर उनको कोई बॉडी स्पॉट होती है तो फौरन वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे और शक करेंगे कि कौन था और उसके खिलाफ वोटिंग होगी और उसको निकाल दिया जाएगा। अगर वो किसी और के खिलाफ जो इंपोस्टर नहीं है उनके खिलाफ अगर वोटिंग करते हैं तो वो भी मर जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा काम ये है कि मैं चुपके से देखता हूँ कि कोई जो क्रू मेंबर है अगर वो मुझे अकेले में मिलता है, जैसे कि ये क्रू मेंबर मुझे अकेले में मिला, तो मैं इसको किल करूँगा। और किल करते ही मुझको यहाँ से भागना है कि अगर मैं किसी के सामने दिख गया तो फौरन वो मेरा नाम ले देगा, इमरजेंसी मीटिंग बुला देगा। और यहाँ पर कोई भी क्रू मेंबर टहलता हुआ आएगा उसको स्पॉट होगी ये बॉडी और फौरन जैसे कि इमरजेंसी मीटिंग उसने बुला दी। तो यहाँ पर दोस्तों अब डिस्कस होगा, अब यहाँ पर आपका काम क्या है। अगर आप इंपोस्टर हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने एक दूसरा जो क्रू मेंबर है उसके खिलाफ यहाँ पर बात करी और उसको कहा कि उसने मारा, वो इंपोस्टर है। तो कोई नहीं जानता कि इंपोस्टर कौन है, तो यहाँ पर सब मेरी बात मान लेते हैं और यहाँ पर जो जिन नाम का जो क्रू मेंबर है उसके खिलाफ वोटिंग होती है। अब वो इंपोस्टर नहीं है लेकिन उसके
जहाँ वोटिंग होगी तो वो बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट है उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये आपका रोल है, आपको करना ही है अगर आपको मैच जीतना है, क्योंकि आप इम्पोस्टर हो, आप सबको अगर किल करोगे तो आप मैच जीत जाओगे। तो यहाँ पर मेरा जो प्लान था वो कामयाब हुआ और किंग के खिलाफ काफ़ी लोगों ने वोट दिया। तो वोट देने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको बस उसके नाम पर क्लिक करना है और टिक मार्क है, उस पर टिक मार्क लगाना है, तो इस तरीके से आप वोट कर सकते हैं। तो एक क्रू मेम्बर को हमने हटा दिया है और हमारा आसान काम हो गया। तो अगर आप इम्पोस्टर हो, आपके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सको, किल कर सको, गलत वोटिंग करा सको, तो भी आप हटा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किल कर रहे हो तो दूसरा ना हो, इसमें आपको क्या होगा, दूसरा जैसे ही देखेगा फौरन को रिपोर्ट कर देगा और आपके खिलाफ वोटिंग होगी और आप हार जाओगे। अगर आपके पास मेजॉरिटी वोटिंग पड़ गई आपके ऊपर तो आप जो है ये मैच हार जाओगे। उसके साथ में यहाँ पर एक इवेंट भी होता है, यानी कि निकलने के लिए सीनियर जाने की जगह भी होती है, और ये सिर्फ पावर होती है इम्पोस्टर के पास, क्योंकि वो कातिल है, उसको पता है कहाँ से कहाँ निकलना है। लेकिन आपको किसी और के सामने ये इवेंट यूज नहीं करना है, अगर आप यूज़ करोगे तो देख लीजिएगा और फौरन से बच जाएगा कि आप इम्पोस्टर। अब यहाँ पर देखिए, मेरी गलती ये हुई कि मैंने एक क्रू मेंबर के सामने किल कर दिया और उसने फौरन रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट करने के बाद में उसने कमेंट में यानी चैट में बता दिया कि ये लोग जो है वो इम्पोस्टर है, और यहाँ पर मेरे खिलाफ वोटिंग हुई। और जब आपके खिलाफ वोटिंग होती है, इम्पोस्टर, तो आप यहाँ से स्पेस क्राफ्ट से बात कर दी जाओगे और फिर मैच ही ख़त्म हो जाएगा और मैच हार जाओगे, तो आपको ये नहीं करना है। लेकिन अगर किसी मैच के अंदर आप अगर क्रू मेंबर के अंदर आते हो, आपका रोल एक क्रू मेंबर का है, तो आपको यहाँ पर टास्क भी कम्प्लीट करना है, जैसे कि यहाँ पर एक क्रू मेंबर है और आपको अपने आगे पीछे कम्प्लीट करना है, और यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है एक टास्क है, आपको वहाँ पर पहुँच कर टास्क कम्प्लीट करना है। जैसे यहाँ पर जो ये पत्ते हैं खुला है, ये आपको यहाँ पर स्क्रीन स्पेस के आपसे बाहर निकलना है, और जैसे एक कोने से आप निकाल लें, दूसरे में ये एरो दिखाई देगा, फिर अभी ये दूसरी जगह से टास्क कम्प्लीट होगा। तो यहाँ से भी ये लीवर के पीछे आप खींचोगे तो ये स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकल जाएगा, तो ये टास्क कम्प्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक मैप का ऑप्शन है, मैप के ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि ये लोग और जहाँ पर है वहाँ पर जाकर मिशन कम्प्लीट करना है। मिशन बहुत आसान होते हैं, जैसे कि ये जो प्लस का निशान है उस पर आपको जाकर यहाँ पर सेट करना है, उसके बाद टास्क कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें होती हैं, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ड्रैगन ड्रॉप वाले भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब आप टास्क कम्प्लीट कर रहे हैं तो लाइफ जाने का फायदा उठा सकता है इम्पोस्टर, और आप जानते हैं इम्पोस्टर कौन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टास्क है वो भी आपको कम्प्लीट करना है, और जैसे ही अगर कोई आपको या आपके क्रू मेंबर को बॉडी स्पॉट होती है तो आपको फौरन आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि आपको अगर फुली श्योर है, चैट में बात कीजिए अपने क्रू मेंबर से कि फुली श्योर है कि किसी ने किसी को देखा है, तो ही आप उसके खिलाफ वोट करें, वरना क्या होगा कि आपका एक क्रू मेंबर कम हो जाएगा और इम्पोस्टर को बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो आपके आसपास कोई ना हो, जैसे मैं यहाँ टास्क कंप्लीट कर रहा था और इम्पोस्टर आया और मुझे यहाँ पर मार गया, तो मारने के बाद ये होगा कि आप बन जाओगे भूत, यानी कि आपके पास कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। दूसरे मैच में भी ऐसा था कि मैं यहाँ पे टास्क कंप्लीट कर रहा था, उसने निकाली गन और उसको यहाँ पे टपका दिया। तो अगर ऐसा आप होता है और आपको किल कर दिया जाता है तो आप बन जाते हो भूत, और आपके पास सारे ऑप्शन निकल जाते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते हो कि आपको किसने मारा। आप चैट में जो भी लिखोगे वो बाकी क्रू मेंबर नहीं पढ़ पाएंगे, और आप किसी को फ़ोन करके या डिस्कॉर्ड सर्वर अगर आपने ज्वाइन करा तो ना बताइए, क्योंकि फिर मैच का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके क्रू मेंबर जो है जो पकड़ा रहना होता है, और यहाँ पर देखिए जिसने किल किया था उसको किसी एक क्रू मेंबर ने पकड़ लिया और सबने उसके खिलाफ वोटिंग करी और वो पकड़ा गया, और वही था इम्पोस्टर, और इसी तरीके से मैच जीत गया। तो बहुत ही अमेजिंग गेम है इसके अंदर, इसके ग्राफिक तो लो है लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मज़ेदार है। आपको दिमाग से काम करना होता है, अगर आप क्रू मेंबर हैं तो आपको टास्क कंप्लीट करने होते हैं, और जो इम्पोस्टर है उसको भी ढूंढना होता है। अगर आपको इम्पोस्टर का यानी किलर का रोल